सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की सातवीं कक्षा में हम सब अब बुद्धि एवं अस्माकं बलम इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे थे, जिसके दो भाग हमने पढ़ लिए हैं। आपने ये जाना कि एक जो शेर होता है वह वन का राजा होता है, वह पशुओं को मार मार करके खाता है, तो पशुओं की संख्या कम दिन प्रतिदिन होती जा रही है। पशु शेर से डर करके गुफाओं में रहने लगते हैं, और एक दिन शेर भूखा हुआ तो वह घूमते घूमते भोजन की तलाश में इधर उधर जब जा रहा था, तो उसने रास्ते में एक गुफा देखी और सोचा कि इसमें अवश्य ही पशु रहता होगा, और ये चिंतन करके वह गुफा के अंदर चला गया और इंतज़ार करने लगा। शाम के समय जैसे ही गिदड़ गुफा की ओर आया, तो उसने रास्ते में शेर के पाँव के निशान देखे, और जैसे ही शेर के पाँव के निशान देखता है तो वह सोचता है कि शेर के पाँव के निशान अंदर जाने के हैं, बाहर जाने के नहीं है, इसलिए शेर गुफा के अंदर ही होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ऐसा सोच करके उसने एक उपाय सोचा और वह जोर से चिल्लाया, हे गुफा, हर रोज की तरह बताओ क्या सब ठीक ठाक है। अब शेर इतना समझदार नहीं था, इसलिए उसने जो है उत्तर दिया, और उसने ये सोचा कि अगर उत्तर नहीं दूंगा तो शेर चला जाए, ये गिद्ध चला जाएगा। सिंगा अचिंत्यत, शेर ने सोचा, यदि उत्तरम न दास्यामि, यदि उत्तर नहीं दूंगा, तदा तु श्रीकालः गमिष्यति, तब तो गिदड़ चला जाएगा। अतः सः सिंहः अकथयत्, वह शेर बोला, आगच्छ, अत्र सर्वं कुशलम् अस्ति, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब जैसे ही उसने बोला तो गिदड़ ने अंदाजा लगा लिया कि गुफा तो कभी बोलती ही नहीं, इसलिए ये अवश्य शेर बोल रहा है, और सच्चाई जान करके वह गिदड़ उसी पल वहाँ से भाग गया। श्रीकालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम् एव अधावत्, उसी पल वहाँ से दौड़ गया। तो अब इसका अभ्यास देखें, कह चिंतयति अचिंतयत, तो सबसे पहले सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा, कह उत्तरम बिना गमिष्यति, शेर सोच रहा है कि यदि उत्तरम न दास्यामि तदा उत्तरम बिना श्रीकालः गमिष्यति, तो यहाँ श्रीकालः है उत्तर हो गया, श्रीकालः उत्तरम बिना गमिष्यति, खाली श्रीकालः है उत्तर। श्रीकालः किम ज्ञात्वा तत्क्षणम् एव अधावत्, गीदड़ क्या सोच करके उसी पल वहाँ से भाग गया। तो श्रीकालः सत्यम ज्ञात्वा, सच्चाई जानकर उसी पल वहाँ से भाग गया। अब एक पद में पूछा जा सकता है, कहा तत्क्षणम् एव अधावत्, कौन उसी पल भाग गया, तो श्रीकालः तत्क्षणम् एव अधावत्। इसी तरह से सिंहः किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा, सिंहः अचिंतयत, यदि उत्तरम न दास्यामि तदा श्रीकालः गमिष्यति, एक वाक्य में उत्तर। सिंह किम अकथयत, शेर क्या बोला, शेर के लिए ये लाइन दिया है, आगच्छ अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके पश्चात निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहले दो प्रश्न दिए हैं, गच्छ इति पदस्य विलोम पदम, गद्यांश से किम प्रयुक्तम अस्ति। अब गद्यांश में से देखना है कि गच्छ का अर्थ है जाओ, इसका विलोम हुआ आओ, यानी आगच्छ, गच्छ आगच्छ, आगच्छ यहाँ पर दिया है, तो आगच्छ शब्द इसका अर्थ हुआ। सर्वम कुशलम अस्ति न वा, इस वाक्य में इति वाक्य कति अव्यपदानि प्रयुक्तानि सन्ति, तो इस वाक्य में कौन कौन से अव्यपद प्रयोग किए गए हैं, सर्वम शब्द रूप है, कुशलम शब्द रूप है, अस्ति धातु रूप है, अब बचे दो, न और वा, तो ये दोनों ही जिनके शब्द रूप धातु रूप आदि नहीं चलते वही अव्यय है, ये दो न और वा। इसके पश्चात सर्वम कुशलम अन्यो किम विशेषण पदम अस्ति, तो ये दो शब्दों का जोड़ा है, सर्वम और कुशलम, इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है, छांट करके लिखिए। विज्ञाय पदस्य अर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम अस्ति, विज्ञाय वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्य प्रत्यय जो है, जिसका अर्थ है जान करके, तो जान करके यानी विज्ञाय के अर्थ में यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, गद्यांश में से छांट करके लिखेंगे ज्ञात्वा। तो इस तरह से इसके प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे कॉपी में, इसे तैयार करेंगे। इसके बाद जो आखिरी भाग है, किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, कुछ समय तक इंतजार करके श्रीकाल सिंह गुहाया बहि आगच्छत, शेर गुफा के बाहर आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन, तब इधर उधर देखते हुए सिंह शेर पश्चाताप करते हुए बुभुक्षिता एव तिष्ठित, क्योंकि जिसकी इंतजार में आया था वो तो भाग गया, तो इसलिए भूखा ही रहा, बुभुक्षिता भूखा एव ही अतिष्ठत मने रहा। उचितम एव कथितम, सच ही कहा है
बुद्ध्या एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, बुद्धि से ही कार्य बनते हैं, सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अतः बुद्धि अस्माकं बलमस्ति, इसलिए बुद्धि हमारा बल है। अभ्यास देखें, गद्यांश से कह प्रतीक्षाम अकरोत, किसने इंतजार की, तो सिंह प्रतीक्षा अकरोत, सिंह खाली एक पद में उत्तर दें, सिंह एक वाक्य में उत्तर दें, सिंह प्रतीक्षा अकरोत। सिंह कस्मात बही आगछत, शेर किससे बाहर आया, तो गुहाया बही आगछत, शेर गुफा से बाहर आया। तीसरा प्रश्न है, सिंह कुत्र पश्यन पश्चातापम अकरोत, सिंह इतस्तः पश्यन सम, इधर उधर देखते हुए। बुद्धिया कानि सिद्ध्यन्ति, बुद्धिया सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अस्माकं बलं किमस्ति, अस्माकं बुद्धि बलम् अस्ति, बुद्धि अस्माकं बलम् अस्ति। आगच्छ क्रियाकर्तृपदं किमस्ति, आगच्छत क्रिया का कर्ता देख ले, यहाँ से तो वाक्य देखें, जिस शब्द के अंत में आगच्छत है उसी का कर्ता उसमें देख ले कौन है, तो लिखें। उचितम एव कथितम इति वाक्य किम अव्यपदम, उचितम एव कथितम में एव पद जो है वो अव्यपद है। सर्वाणी कार्याणी अन्यो किम विशेषण पदम, सर्वाणी कार्याणी में विशेषण ढूंढ करके लिखे। विवेकेन अर्थे गद्यांश किम पदम प्रयुक्तम, विवेकेन होता है बुद्धि के द्वारा, विवेकेन ज्ञान के द्वारा, विवेकेन तीसरी विभक्ति एक वचन है, तो तीसरी विभक्ति एक वचन का पद इसमें से ढूंढ करके आप लिखें। तो इस तरह से आपने इसकी हिंदी लिखनी है, इसके प्रश्न उत्तर लिखना है, इसको तैयार करना है। धन्यवाद।